कोणत्याही झाडण्याची आवश्यकता नाही आहे. ते इधर जे फॅमिली काही होणार नाही जोपर्यंत सगळं नॉर्मल होत नाही तोपर्यंत मी इथून बाहेर जाणार नाही. आपला बच्चा आहे दोन महिने का कोई डर का नाही आहे सर. राजेंद्र जंदळ जंदळ बोले ना बोला साखू धामपू चला. भैया मैं मंदिर के अंदर ही हूं ना मंदिर के अंदर कुछ हुआ है देख बाहर हो रहा है भाई बाहर हो रहा है मैं मंदिर के अंदर ही हूं तो बहुत सारे यहां पे मंदिर के जो देखभाल करने वाले लड़के हैं आप उनसे पूछो उनकी जो महिलाएं हैं मैं उनके साथ में बैठा हुआ हूं कुछ नहीं होती सिर्फ इतना मैसेज वो मैं देखा बहुत पॉजिटिव मैसेज गया बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है और मैंने क्लियर बोला है जंजाड की मतलब मैं जितने बस बस उधर कंट्रोल करना जंजाड़ में सर. ठीक है भाई चलिए. हाँ भैया हम इधर हाँ टेंशन मत लेते हैं आप चार लोग कोई चिंता करने की जरूरत नहीं आप डरिए मत. हमारी बच्ची बहुत डर गई ना भूली ना. क्या है भाई ये जो करने वाले लोग हैं इसमें आधे से ज्यादा लोग जो है वो जो नशा करते हैं नशा करने वाले जो लोग हैं वो लड़के हैं तो सबसे ज्यादा आतंक मचाएगा. इसलिए हम बार बार जो बोलते हैं कि ये नशे का कारोबार बंद होना चाहिए आज वो ही कंट्रोल के बाहर है इसमें मेरे आंख के ऊपर आ रहे हैं मेरे ऊपर पथरे मार रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है. एक मरतबा नशा कर लिए गोलियां खा लिए है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको मार रहे हैं किसको वो कर रहे हैं. इतने बड़े बड़े पथरे जो है वो मेरे सर के ऊपर भी मार रहे हैं. ये लोग रोक रहे हैं कि खासदार है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है. मैं देखिए सब चीज छोड़ के मैं मंदिर में इस वजह से खड़ा हुआ हूँ कि ये एक शहर की हमारी पुरानी मंदिर है और किसी का भी श्रद्धा का स्थान अगर है उसका हमको आदर करना चाहिए. आधे से ज्यादा लोग जो है वो कंट्रोल करने के लिए है बाहर सिर्फ. लेकिन क्या है कि कुछ नशा करने वाले गोलियां खाने वाले जो है वो लोगों का ये हंगामा चल रहा है. मैं आपको सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूँ ये बिल्कुल आप बेफिक्र रहना उसमें. आप जब मुझे हंसते हुए बोलेंगे कि आप जाओ खासदार तो मैं जाऊंगा. ठीक है आलोक आरोप आरोप पिताजी कौन है उसके बंधु का फोन